तो अचानक से महाराष्ट्र की राजनीति में योग गुरु लाला रामदेव का चर्चा शुरू हो गया है। जी हाँ, हम रामदेव को बाबा नहीं एक व्यापारी मानते हैं, इसीलिए हम उन्हें पूरी वीडियो में बाबा नहीं बल्कि लाला रामदेव कहकर ही संबोधित करेंगे। तो रामदेव के एक बयान से न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। औरतों के कपड़ों को लेकर की गई लाला रामदेव की टिप्पणी जुबान फिसलने से हुई, या फिर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, या फिर उनकी सोच ही ऐसी है, ये तो पता नहीं। मगर लाला रामदेव के बयान के विरोध की इस आग में संजय राउत ने घी डालने का काम किया है, जिसके बाद तो रामदेव के बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। संजय राउत ने इस मामले में न सिर्फ लाला रामदेव को लतार लगाई बल्कि अमृता फडणवीस की भी क्लास लगा दी, जिसके बाद तो हंगामा और भी ज्यादा मच गया। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया लाला रामदेव ने, क्यों भड़क गए संजय राउत, और लाला रामदेव के चक्कर में अमृता फडणवीस को क्यों कोस रहे हैं संजय राउत, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि लाला रामदेव के शर्मनाक बयान पर आपकी क्या राय है। कमेंट जरूर दें और ये जरूर बताएं कि क्या एक सो कॉल्ड बाबा को इस तरह का शर्मनाक बयान देना शोभा देता है। कमेंट जरूर करें, चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो ये पूरा किस्सा मुंबई के ठाणे में आयोजित एक योग रैली से शुरू हुआ, जहां मुंबई योग पीठ की तरफ से लाला रामदेव को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इस रैली को आयोजित करने के दौरान रामदेव के जस्ट बगल वाली सीट पर अमृता फडणवीस बैठी थी, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है। इसके अलावा रैली में श्रीकांत शिंदे और कई जाने माने लोग भी बैठे थे। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। अब आदत के मुताबिक मंच से लाला रामदेव गोबर करने लगे, सॉरी बोलने लगे, तो लाला रामदेव अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके मुंह से ऐसा बहुत कुछ निकल गया जो कि महिलाओं का अपमान माना जा रहा है। दरअसल लाला रामदेव अपने भाषण में योग की तारीफ कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि योग करके अमृता फडणवीस ने खुद को अब भी जवान बना के रखा है। फिर लाला रामदेव ने उनका भाषण सुनने आई महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगे की सीट पर बैठी महिलाएं साड़ी पहनी हुई हैं और पीछे की तरफ वाली महिलाओं ने सूट पहन रखा है। सोचने वाली बात तो यहाँ पर यह भी है कि लाला रामदेव योग सिखा रहे थे या फिर महिलाओं को ताड़ रहे थे। खैर, अब यहाँ तक भी सब ठीक था। आगे सुनिए सो कॉल्ड बाबा ने क्या कहा। लाला रामदेव आगे बोले, महिलाएं कुछ भी पहने अच्छी लगती हैं, साड़ी में भी औरतें अच्छी लगती हैं, सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं। और इसके बाद जो लाला रामदेव ने कहा उसी पर थू-थू हो रही है। सो कॉल्ड बाबा रामदेव ने अपने भाषण में आगे कहा, औरतें मेरी तरह कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। यानी कि बाबा रामदेव के कहने का मतलब था कि महिलाएं बिना कपड़ों के निर्वस्त्र भी अच्छी लगती हैं, नग्न भी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर बाबा के बयान पर कई तरह के सवाल उठते हैं कि उन्होंने आखिर कितनी महिलाओं को इस तरह देख रखा है। खैर, उनकी फैंटेसीज पर फिर कभी अलग से चर्चा करेंगे, फिलहाल इनके इस भद्दे बयान पर लौटते हैं। तो इसके बाद लाला रामदेव ने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि बच्चा भी तो बिना कपड़ों के दुनिया में आता है, नग्न आता है, और छोटे बच्चे तो 8-10 साल तक बिना कपड़ों के नग्न ही घूमते रहते हैं। अब हम तो ऐसे बच्चों को नहीं जानते दोस्तों जो 8-10 साल तक बिना कपड़ों के नग्न घूमते हों। आप बाबा की इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो आगे रामदेव ने बात संभालने की काफी कोशिश की, मगर वो गोबर तो कर चुके थे ये कहकर कि महिलाएं बिना कपड़ों के नग्न भी अच्छी लगती हैं। अब लाला के इस बयान के बाद तो हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर रामदेव के बयान वाला वीडियो सर्कुलेट हो गया और चारों तरफ से लाला रामदेव की थू-थू होने लगी। हर तरफ से लाला रामदेव को इस भद्दी टिप्पणी के लिए कोसा जा रहा है, आलोचना की जा रही है और इसे पूरी तरह महिलाओं का अपमान और महिलाओं के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी कहा जा रहा है। अब लाला रामदेव के इसी बयान को संजय राउत ने भी लपक लिया और राउत ने लाला रामदेव को घेर लिया। राउत ने लाला रामदेव को कहा कि वो देश की सभी महिलाओं से माफी मांगे, नहीं तो महिलाओं के अपमान के चलते हम एक्शन लेने को मजबूर होंगे। संजय राउत यही नहीं रुके और मौका मिला तो अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। इस मामले में संजय राउत ने रामदेव के बयान की तो निंदा की ही की, साथ ही साथ मंच पर मौजूद अमृता फडणवीस की भी क्लास लगा दी। राउत ने कहा, रामदेव से तो हम महिलाओं की इज्जत की उम्मीद कर भी नहीं सकते, मगर मंच पर साथ में बैठी अमृता फडणवीस जो कि खुद महिला हैं, उन्होंने बाबा रामदेव के बयान को वहीं पर क्यों नहीं रोकवाया। उन्होंने मंच पर महिलाओं का अपमान होते हुए देखा और विरोध करना तो दूर की बात, वो रामदेव के इस बयान पर हंसती हुई दिखी।
राउत ने आगे कहा, अगर मैं अमृता फडणवीस की जगह होता तो रामदेव के कान के नीचे एक लगाता। मगर अमृता फडणवीस हंसती रहीं और रामदेव के इस अश्लील बयान को सपोर्ट करती रहीं। राउत बोले, वैसे तो अमृता महिलाओं की बड़ी हिमायती बनी फिरती हैं, महिला पक्षकार बनने का ढोंग करती हैं, और जब सरेआम महिलाओं के कपड़ों को लेकर भद्दी टिप्पणी की जा रही थी तो वहीं पर कुछ नहीं बोली बल्कि तालियां बजाती रहीं। राउत ने आगे कहा, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो महाभारत हुई थी, अब यहाँ तो पूरे देश की महिलाओं की इज्जत उछाली गई है। उन्हें बिना कपड़ों के अच्छे दिखने की बात बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति ने कही है, और वहाँ बैठे लोग हंसते रहे, तालियां बजाते रहे, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। राउत ने रामदेव के साथ ही अमृता फडणवीस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। सिर्फ राउत ही नहीं बल्कि कई और नेताओं ने भी बाबा रामदेव के इस बयान की कड़ी आलोचना की है और पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की है। मगर अभी तक लाला रामदेव का अपने बयान पर ना तो किसी तरह का माफीनामा आया है और ना ही किसी तरह की सफाई आई है। तो अब लाला रामदेव अपने बयान में बुरी तरह घिर गए हैं, महिलाओं को लेकर की गई गंदी टिप्पणी पर चारों तरफ से आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। यहाँ हम क्लियर कर दें कि हम राउत के पक्ष में बिल्कुल नहीं बोल रहे, क्योंकि वो खुद महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं ये हम उनके पिछले कई भद्दे बयानों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये वही नौटी राउत हैं जिन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ गंदे बयान देते हुए उन्हें हरामखोर तक कह दिया था, जो कि एक महिला हैं। लाला रामदेव ने जो कुछ कहा वो वाकई बेहद गंदा और निंदनीय है, जो बाबा तो क्या किसी आम सभ्य पुरुष को भी शोभा नहीं देता, और वो भी इस तरह सार्वजनिक तौर पर जहां आपको सैकड़ों लोग सुन रहे हैं, अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि राउत इस मुद्दे पर भी सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट बटोरना चाह रहे हैं, लोगों के बीच अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम यहाँ निष्पक्ष होकर ही सारी खबर आपके सामने रख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ रामदेव की जुबान फिसली थी या फिर रामदेव की सोच ही ऐसी है? क्या वाकई में अमृता फडणवीस को एक महिला होने के नाते लाला रामदेव के इस बयान का विरोध नहीं करना चाहिए था? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।